आपने अमेरिकन नट्स आइसक्रीम तो बहुत खाई होगी, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ फैक्ट्री लेवल पे उसको कैसे बनाया जाता है। और इनके यहाँ की जो आइसक्रीम है पूरे जलंधर में बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो चलिए चलते हैं इनकी अमेरिकन नट्स आइसक्रीम की मेकिंग देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। हम अमेरिकन नट्स बना रहे हैं, अमेरिकन नट्स में लोग सिर्फ ना जेली डालते हैं बट हम क्रैनबेरी भी डालते हैं। ये क्रैनबेरी है, 400 ग्राम क्रैनबेरी पड़ गई इसमें, ठीक है। फिर इसमें पड़ेगी ये जेली, ये मिक्स फ्रूट जेली है, ये हम खुद बनाते हैं वाली जेली, ये तो फ्रेश जेली इसमें डाली जा रही है और इनकी होममेड रहती है। हाँ, ये और 100% वेज जेली है, ये जिलेटिन, हाँ ये प्लांट बेस्ड जिलेटिन से बनती है। ये भी पड़ेगा इसमें ब्लैक करंट, तो सबसे पहले ब्लैक करंट इसमें डाला जा रहा है। ये 400 ग्राम ब्लैक करंट पड़ना है इसमें, अभी सारे को हमने कर लेना मिक्स। अभी इसमें सबसे एंड में पड़ेगा बादाम, बादाम भी काट के डालेंगे। आलमंड्स, अमेरिकन नट्स के लिए हमारे यहाँ पे बादाम आ चुके हैं, तो अमेरिकन नट्स के लिए हमारे बादाम की कटिंग यहाँ पे की जा रही है। इसको बेस बोलते हैं, आइसक्रीम बेस है, और हमारा जो बेस बनता है 100% मिल्क बेस है, ठीक है, मिल्क और क्रीम से बनता है। थिकनेस तो इसकी ऑटोमेटिकली बनती है क्योंकि बिल्कुल प्योर मिल्क क्रीम से बना हुआ है। और इस टाइम पे ये प्लेन है, इसमें कोई फ्लेवर नहीं ऐड किया हुआ, कोई कलर नहीं हमने ऐड किया हुआ। इसे हम मल्टीपल आइसक्रीम बना सकते हैं, इसी से वनीला बनेगी, इसी से स्ट्रॉबेरी बनेगी, इसी से चॉकलेट बनेगी, तो एक बेस रहता है। हाँ, ये आइसक्रीम बेस है। तो सब बेस डल गया, अब नेक्स्ट क्या डालेंगे इसमें? ये मैं फ्लेवर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। हम जो फ्लेवर यूज करते हैं वो हाई ग्रेड फ्लेवर यूज करते हैं, इसलिए बहुत बिल्कुल थोड़ा पड़ता है। तो मशीन हमारी स्टार्ट हो चुकी है, बेस हमारा डल गया है, अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या डलेगा। तो सर कितना टाइम लग जाता है इसमें रेडी होने में? 10 मिनट। तो नेक्स्ट इसमें बादाम को जो हमने काट लिया था उसको अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा। तो ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स किया जा रहा है। हमें 7-8 मिनट हो गए और इसकी देखो फॉर्म चेंज हो गई, अभी भी आइसक्रीम रेडी नहीं हुई, को टाइम लगेगा, 2-3 मिनट लगेंगे, बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो सर 10 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी 10 मिनट हो गया, बस अपने इनको बॉक्सेस में भरना है। और अब बॉक्स के अंदर इनके अच्छे से फिलिंग कर ली जाएगी। तो फटाफट यहाँ पे काम करना पड़ता है, फटाफट आइसक्रीम डाली जा रही है और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाले जा रहे हैं, जेली डाली जा रही है। तो सर बॉक्स कितने किलो का रहता है? ये 1.5 किलो होगा। 1.5 किलो का, तो देख सकते हो लाइव एकदम फ्रेश आइसक्रीम यहाँ पे बनके रेडी हो चुकी है हमारी अमेरिकन नट्स। और प्राइस कितना रहता है इसका? सर ये 700 का होगा। 700 का। तो भैया पूरे दिन में कितनी आइसक्रीम बन जाती है इसके साथ? अगर मैं पूरे दिन में इसमें बनाना शुरू करूँ तो मैं पूरे दिन में 100 किलो, 1 क्विंटल आइसक्रीम बना सकता हूँ। 1 क्विंटल आइसक्रीम बन जाती है? हाँ, इसमें बन जाएगी। तो आप मशीन देख सकते हो, क्योंकि एक बार में एक बैच को ये 10 मिनट में निकाल देगा बाहर। सर नाम बता दीजिए। मेरा नाम रुद्र है और हमारी शॉप का नाम है लक्ष्मी रिफ्रेशमेंट। हमें 22 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। हमारे पास काफी यूनिक फ्लेवर है, जैसे रेड वेलवेट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा रेड वेलवेट। ये रेड वेलवेट है हमारा। अच्छा, रेड वेलवेट फ्लेवर। हाँ, स्टिक कुल्फी में है, आपको ओरियो मिल जाएगा, वो केसर पिस्ता मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारी खोए वाली कुल्फी है ये वाइट, ये मिल जाएगी। मैंगो मिल जाएगी, अल्फांजो मैंगो है, आपको ऐसा लगा कि जैसे आप आम भी खा रहे हो। और हमारे कुछ ये फ्लेवर जैसे ये बनारसी पान है, ये हमारा ब्लैक करंट है, ये स्ट्रॉबेरी है, ये हमारी मटका कुल्फी है। सर हमारी आइसक्रीम 100% मिल्क बेस्ड आइसक्रीम है, हम किसी तरह का ऑयल अडल्ट्रेशन नहीं यूज़ करते इसमें। आप खाओगे आपको पता लगेगा आप कुछ कोई चीज़ खा रहे हो। आप सर्दियों में भी खाओ, जब मर्जी खाओ, कभी गला नहीं खराब होगा। बाकी एक हमारा एक ट्रैफिक जम संडे है, ये एक बॉक्स में 14 फ्लेवर्स है, ये 250 रुपीज़ का बॉक्स है, 1/2 kg इसका वेट है। ये उन फैमिलीज के लिए है जहाँ पे सभी के अलग अलग डिमांड्स है, वो डिमांड को पूरा करता है। ये हमारी फ्रूट क्रीम है, बहुत स्पेशल आइटम है ये, और इसमें सिर्फ क्रीम और फ्रूट्स हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं डाला हुआ हमने, और ये प्योर मिल्क क्रीम है। ये हमारी रबड़ी है, ये कोल्ड रबड़ी लोग ऐसे भी खाते हैं, और इसका रबड़ी फलूदा में भी यूज होती है ये रबड़ी, ये प्योर मिल्क की रबड़ी है। ये हमारा फलूदा, ये डेली फ्रेश बनता है, जितना रात को बच गया उसको हम फेंक देते हैं, रोज फ्रेश ही बनेगा ये। क्वालिटी का एकदम पूरा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। ये सारे हमारे आइसक्रीम के फ्लेवर्स हैं, राइट नाउ यहाँ पे 20 फ्लेवर्स रखे हुए हैं हमने, ये डेली चेंज होते रहते हैं। ये हमारा ड्राई फ्रूट फ्लेवर है, एक ये हमारा अमेरिकन नट्स है, मैंने आपकी इसको मेकिंग दिखाई आपको। तो हमारे यहाँ पे अमेरिकन नट्स लगने जा रही है। तो भैया प्राइस कितना रहता है इसका? ये वाफल कोन 70 रुपीज का, और आपने ज्यादा स्कूप डलवाने हैं वो भी हो जाएगा। तो फाइनली जलंधर की फेमस लक्ष्मी रिफ्रेशमेंट की अमेरिकन नट्स आइसक्रीम यहाँ पे लग चुकी है। तो देख सकते हो इन्होंने एकदम बढ़िया से कोन में लगा के दी है, और इसमें 2 स्कूप डाले गए हैं, इसका प्राइस है 70 रुपीज़। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने अमेरिकन नट फ्लेवर बहुत बार खाया है, बट इनकी आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। स्पेशली उन्होंने इसमें ड्राई फ्रूट डाला है, बादाम डाला है, ब्लैकबेरी डाली है, जेली डाली है। तो बाकी आइसक्रीम में आपको ब्लैकबेरी बिल्कुल नहीं मिलेगी, ड्राई फ्रूट्स बहुत कम मिलेंगे। इनकी हर एक बाइट में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं। सुबह की टाइमिंग क्या रहती है? सर सुबह 10 बजे से लेके रात को 12 बजे तक। और हफ्ते में कितने दिन ओपन रहते हैं? 7 डेज। कोई छुट्टी नहीं होती हमें, कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे, आंधी तूफान कुछ मर्जी हो हम जरूर आते हैं यहाँ पे। और दुकान का नाम और एड्रेस बता दीजिए, कहाँ पे है? हमारी दुकान का नाम है लक्ष्मी रिफ्रेशमेंट, और ये है ऑपोजिट शिवाजी पार्क, चौहारबाग रोड पे।
हाँ ऑनलाइन आपको जोमेटो पर भी मिल जाएगा, स्विगी मिल जाएगा, हम खुद भी डिलीवर करते हैं। हमारा नंबर लीजिए, हमें कॉल कीजिए, आपको विद इन 30 मिनट डिलीवरी मिल जाएगी। 9807074000। तो अगर आप भी इसको टेस्ट करना चाहते हो जलंधर में आके, लक्ष्मी रिफ्रेश में आके इसको टेस्ट कर सकते हो। बात कर लीजिए इसके प्राइस की, इसका प्राइस है 70 रुपीज। 70 रुपीज में आपको 2 स्कूप आइसक्रीम मिल जाएगी विद कोन। तब इसको मैं यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।